बहुत सारे आदमी और औरत, या आयुर्वेद में आ गया हूं मैं, बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं होते। औरतों को गाइनी प्रॉब्लम में होती है, अंडे ना बनने की दिक्कतें होती है, आदमी को स्पर्म्स काउंट की प्रॉब्लम होती है, या वैसे ही जवानी का रिएक्शन ना आना, ये प्रॉब्लम होती है। इसके लिए आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा एक नुस्खा दिया गया जो पूर्ण रूप से सूर्य के कंप्लीट करता है। तो वो कैसे, वो कहते हैं एक बतासा लीजिए, बतासे हम चढ़ाते हैं ना मंदिर में, बतासा लीजिए, बड़ के पेड़ को तोड़िए, उसकी टहनी को कच्ची को, उसमें से दूध निकलेगा हल्का सा, वो एक बूंद पहले दिन बतासे में रख के वो खा लीजिए। दूसरे दिन दो बता, एक ही बतासा उसमें दो बूंद रख के वो खा लीजिए। तीसरे दिन तीन बूंद करके, यानी कि 27 नक्षत्र 27 दिन तक खाते जाओ, 27 बूंदों तक खाओ, और उसके बाद वापस आओ कि यानी फिर एक बतासे के अंदर 26 बूंदे वो खाओ, फिर 25 बूंदे वो खाओ, फिर 24 बूंदे वो खाओ, और करते हुए एक पे आके स्टॉप। समझ गए? तो बेटा ये जो 54 दिन का इलाज है, इसके अंदर IVF सेंटर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मियां बीबी खुद ही इतने सक्षम हो जाएंगे कि वो अपना बच्चा पैदा कर सके। अब एक बड़ के पेड़ की ताकत देखो, और अजमाने के बाद बेटा सारी जिंदगी बड़ के पेड़ की पूजा बंद मत करना, क्योंकि तुम्हारे घर में चिराग उसी ने जलाया है। समझे? ये आयुर्वेद और ये एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी ने ही आयुर्वेद को समझा और ये बनी, और ये मिलकर के एक संपूर्ण पैकेज है, और इस पैकेज को चलाना ही मेरा ध्येय है, मेरा काम है, और दुनिया को धीरे धीरे करके मैं अवेयर ये करता जा रहा हूँ। परमात्मा हमें नॉलेज देने आते हैं, कर्म हमसे ही करवाते हैं, समझ गए ना? तो उसने जो भी इंसान के पास जितनी ज़्यादा शिक्षा होगी, शिक्षा को समझदारी के साथ जो प्रयोग करेगा बेटा, वो तो धनवान बनेगा ही, वही ज्ञानवान बनेगा, वही गुरु बनेगा, वही सब कुछ कर पाएगा, वही खुशहाल भी रहेगा, वही खुशहाल रहेगा। तो साइंस है, साइंस है, साइंस है, एस्ट्रोलॉजी साइंस है, आयुर्वेद साइंस है, और इंसान को साइंटिफिकली वे में ही ठीक किया जा सकता है, और ये जो तुम बोल रही थी कॉन्वालेक्सा और ये वो, इनसे ठीक नहीं किया जा सकता। कॉन्वालेक्सा नहीं बोलना है अब।